हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू अभी पावर्ड बाय अभिमन्यु आई लास्ट क्लास के अंदर हमने इनकम टैक्स की मेन प्रोविजंस की थी और आपको मैंने बहुत डिटेल में डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था आज जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में सबसे इंपॉर्टेंट टैक्स है जीएसटी ट्रेडिशनली पहले क्या था दो तरह के टैक्स थे डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट टैक्स में मेन इनकम टैक्स था वेल्थ टैक्स भी था लेकिन वो गवर्नमेंट ने बाय द टाइम उसे स्क्रैप कर दिया ओमिट कर दिया निकाल दिया किसी टाइम गिफ्ट टैक्स भी होता था वो भी डिलीट कर दिया गवर्नमेंट ने उसे इनकम टैक्स की प्रोविजन के अंदर ही मर्ज कर दिया और जो इंड टैक्सीज थे बहुत सारे थे मल्टीपल वर देयर एक्साइज वैट कस्टम ऑक्ट्राए सेंट्रल सेल टैक्स सर्विस टैक्स एंटरटेनमेंट टैक्स लग्जरी टैक्स बहुत तरह के टैक्स थे और लोगों को उन टैक्स की कंप्लाइंसिस करना बड़ा मुश्किल लगता था रीजन इतने सारे टैक्सीज की कंप्लायंस करना इतने सारे लीगल अनेक्टमेंट्स को फुलफिल करना बड़ा मुश्किल था गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया फर्स्ट जुलाई 2017 को ऑल ओवर इंडिया जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सीज थे सबको सब्स्यूम करके एक सिंगल टैक्स बना दिया और उसका नाम रख दिया गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ऑल द इनडायरेक्ट टैक्सीज Except two, three are subsumed and merged into a single tax known as GST, Goods and Services Tax. All indirect taxes, VAT, Octroi, Excise, all are subsumed, and One Nation One Tax was the slogan of the government. फर्स्ट जुलाई 2017 थाउजेंड वन नेशन वन टैक्स के स्लोगन से गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट किया जीएसटी को और गवर्नमेंट ने कहा सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज गुड्स और सर्विसेज दोनों पर टैक्स लगेगा और चाहे वो गुड्स की डेफिनेशन में है चाहे वो सर्विसेज की डेफिनेशन में है पर्सन इज लाइबल टू पे द टैक्स टैक्स देना पड़ेगा और उस टैक्स का नाम है जीएसटी कैसे मजाक में गब्बर सिंह टैक्स कहते हैंवी टैक्स है ऑल ट्रांजेक्शन आर कवर्ड तभी गवर्नमेंट ने सेल वर्ड हटा के सप्लाई कर दिया बीच में सप्लाई सप्लाई मीन्स आईदर सेल ऑफ गुड्स ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर और रेंडरिंग ऑफ सर्विस ऑल आर टैक्स एबल ऑल आर कवर्ड अंडर द स्कोप ऑफ जीएसटी इट इज अ वैल्यू एडिट टैक्स कंजम्पशन बेस्ड टैक्स हर डेस्टिनेशन पर आपकी जितनी वैल्यू एडिशन है उस पर टैक्स देना पड़ेगा एंड देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ जीएसटी दैट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी पोज मैन्युफैक्चर ने कोई गुड्स होलसेलर को दिए होलसेलर ने आगे रिटेलर को वो गुड्स दे दिए और रिटेलर ने अल्टीमेटली कस्टमर को गुड्स दे दिए मैन्युफैक्चरर दिस इज द आर्थ सप्लाई चेन मैनेजमेंट मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर होलसेलर टू रिटेलर एंड रिटेलर टू अल्टीमेट कस्टमर इसने टैक्स इससे चार्ज किया इसने टैक्स इससे चार्ज किया और अल्टीमेटली कस्टमर को टैक्स का बर्डन बियर करना पड़ा तभी हम कहते हैं कस्टमर 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 का मतलब है वो कस्ट से कस्ट मतलब टैक्स के बर्डन से मर रहा है ऑल टैक्सीज आर टू बी बॉर्न बाय द कस्टमर एवरी स्टेज देर इज वैल्यूडिशन यह हंड्रेड का सामान इसको दे रहा है होलसेलर अपना मार्जिन बीच में जोड़ेगा जिसे हम वैल्यूडिशन कहते हैं सपोज हंड्रेड में उसने ट्वेंटी रुपीज अपना मार्जिन जोड़ दिया तो ट्वेंटी पर अलग से फिर टैक्स लगेगा वैल्यू एडिड टैक्स है एट ई स्टेज देन होलसेलर ने अपना मार्जिन जोड़ के रिटेलर को वन ट्वेंटी का सामान बेचा ट्वेंटी पर फिर टैक्स देना पड़ेगा रिटेलर ने अपना सपोज थर्टी रुपीज का मार्जिन जोड़ा तो थर्टी पर फिर टैक्स देना पड़ेगा और अल्टीमेटली कस्टमर को ये सारे हंड्रेड पर भी ट्वेंटी पर भी और थर्टी पर भी टैक्स बियर करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ एम आर पी ऑफ द गुड्स मैक्सिमम रिटेल प्राइस इज रिटेल प्राइस इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस सो टैक्स बर्डन्स आर शिफ्टेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर होलसेलर टू रिटेलर एंड फ्रॉम रिटेलर टू अल्टीमेट कस्टमर अब जब हम टोटल प्राइस पर गुड्स की टोटल प्राइस पर टैक्स लगा रहे हैं तो आई का मतलब क्या है इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात क्या चल रही है पहले जैसे इसने 100 का दिया आगे होलसेलर ने रिटेलर को ट्वेंटी रुपीज एड करके 120 का आगे सामान बेचना है तो पहले वो वन ट्वेंटी पर टैक्स लगा देगा अब ये तो डबल टैक्सेशन हो गया कैडिंग इफेक्ट कहते हैं हम टैक्स टैक्स ऑन दोबारा से टैक्स लग गया हंड्रेड पर लगा हुआ था ट्वेंटी पर और लग गया तो कस्टमर को तो सौ पर दो बार देना पड़ गया एक तो जो मैन्युफैक्चरर ने लगाया था वो और एक होलसेलर जो दोबारा से वन हंड्रेड पर लगा रहा है वो इसीलिए गवर्नमेंट कहती है आईटीसी की प्रोविजन इनपुट टैक्स क्रेडिट की प्रोविजन जो होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर को टैक्स पे किया है वो ऑलरेडी उसकी प्राइस में इंक्लूडेड है जो हम रिटेलर से चार्ज कर रहे हैं तो दोबारा से टैक्स नहीं लगाना लेकिन सिस्टम ऐसे है, पहले एक बार लगाओ फिर जो पिछले वाले को पे किया है प्रोसीडिंग वाले को उसका आईटीसी मिल जाएगा टैक्स क्रेडिट सो वेन एवर आई परचेज सर्टन कमोडिटीज फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर आई विल डिडक्ट

ये टैक्स स्ट्रक्चर था हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स वेल्थ टैक्स गवर्नमेंट ने अब खत्म कर दिया इनडायरेक्ट टैक्स में मेन जीएसटी और कस्टम ही रह गया अगर हम इंट्रा स्टेट सेल करते हैं इंट्रा मीन्स विद इन द स्टेट सपोज मैं पंजाब में ही सामान बेच रहा हूं सेलर एंड बायर बोथ आर इन सेम स्टेट तो दो तरह के टैक्स लगेंगे सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स अगर कोई आइटम 18 परसेंट रेट वाली है तो 9 परसेंट सीधा जाएगा सेंटर के पास और 9 परसेंट जाएगा स्टेट के पास बिलिंग में ही दो कॉलम्स बने हुए हैं बिल करते हैं इन्वॉइसिंग करते हैं उसी में दो कॉलम बने हैं अगर कोई सामान हंड्रेड का है तो नौ रुपए और नौ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास शेयरिंग हो जाएगी फ्रॉम द वेरी बिगनिंग और अगर इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन है फ्रॉम वन स्टेट फ्रॉम पंजाब टू हरियाणा इन दैट केस आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स ये सारा एक ही जगह सेंटर के पास लगेगा अठारह रुपए इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स सेंटर के पास जाएगा बाद में सेंटर इसमें से हाफ टैक्स मतलब नाइन रुपीज स्टेट गवर्नमेंट को रीमबर्स कर देगी जाना तो स्टेट के पास ही है लेकिन यहां इकट्ठ पहले ही चला गया यहां पहले सेंटर कलेक्ट करेगी उसमें से हाफ टैक्स विल गो टू द स्टेट गवर्नमेंट किस स्टेट के पास जाएगा सेलिंग स्टेट के पास कि परचेजिंग स्टेट के पास इट इज अ कंज़म्पशन बेस्ड टैक्स तो जहां कंज्यूम हो रहा है बाइंग स्टेट के पास चला जाएगा नाइन रुपीज पोस्ट पंजाब से हरियाणा बिका है गुड्स तो हरियाणा की गवर्नमेंट को नाइन रुपीज की रि हो जाएगी इसे हम क्या बोलते हैं इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स कुछ कमोडिटीज को गवर्नमेंट ने आज भी जीएसटी के परव्यू से बाहर रखा है यहां जीएसटी नहीं लगता अभी भी इनके ऊपर एक्साइज एंड वैट लग रहा है पेट्रोल मोटर स्पिरिट हाई स्पीड डीजल ऑयल नेचुरल गैस इविएशन टर्बाइन फ्यूल एंड लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एक बड़ी सिंपल सी एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं व्हाट्सएप पर एक किसी ने मैसेज ट्रॉल किया कि लिकर के ऊपर जीएसटी क्यों नहीं लगना वाई लिकर इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ जीएसटी तो किसी ने आंसर दिया कि इट इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है जिस स्टेट में डेस्टिनेशन होगी सामान अल्टीमेटली कंज्यूम होगा उस स्टेट में टैक्स लगेगा और लिकर के बाद एक पर्सन को अपनी डेस्टिनेशन ही नहीं पता होती आज मैं लिकर कंज्यूम कर रहा हूं तो मुझे जहां बोतल ले जाएगी मैं वहां चला जाऊंगा तो गवर्नमेंट कहती है उसकी डेस्टिनेशन ही नहीं पता तो इसे बाहर रखो जो कपाट कर पर अभी भी एक साइज एंड वेट है गवर्नमेंट ने जीएसटी के रेट्स जीरो परसेंट कुछ कमोडिटीज के ऊपर टैक्स नहीं रखा मैंने एग्जांपल दी है जैसे नेशनल फ्लैग अगर आप परचेज करते हैं लेडीज अगर बिंदी सिंदूर ग्लास बैंगल्स हैंडलूम्स अनपैक्ड वेजिटेबल्स अनब्रांडेड अनपैक्ड आटा मतलब फ्लोर मैदा बेसन ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर गवर्नमेंट ने जीरो परसेंट जीएसटी रखा है गोल्ड एंड ऑर्नामेंट्स पर टू परसेंट कुछ बेसिक नेसेसिटीज पर फाइव कुछ कमोडिटीज के ऊपर ट्वेल्व लाइक फर्टिलाइजर्स कुछ कमोडिटीज जैसे जैम्स आइसक्रीम्स 18 एंड सबसे जो लास्ट टैक्स रेट है हैवी, सबसे ज्यादा दैट इज 28 परसेंट जैसे चॉकलेट्स हैं कोल्ड ड्रिंक्स हैं पान मसाला है हेयर डाइज है शेविंग क्रीम्स हैं, गवर्नमेंट इनको लग्जरी मानती है यहां 28 परसेंट टैक्स हैवी सबसे लास्ट स्लैब है और ऑल ओवर इंडिया सेम रेट है जीएसटी में किसको रजिस्ट्रेशन करानी है जिन डीलर्स की टर्नओवर 40 फोर्टी लैक्स एग्रीगेटिव टर्न ओवर, ओवर लाख रुपए से ज्यादा है उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है और अगर सर्विस सेक्टर है तो 20 लैख से ज्यादा अगर किसी की टर्नओवर रिसीट्स है उसको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है गुड्स के केस में 40 लैक्स सर्विसेज के केस में ट्वेंटी लैख और ये तब है जब हम स्टेट डीलिंग कर रहे हैं इंटरस्टेट वालों को कोई छूट नहीं है वो एक रुपए की भी सेल करेंगे तो उनको रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है तो स्टेट विद इन द स्टेट वालों को कुछ दी दिए गवर्नमेंट ने कि आप फोर्टी लैख तक आप अगर आपकी टर्नओवर है देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ गेटिंग योरसेल्फ सेल्फ कंपल्सरी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी अगर आप सर्विस सेक्टर में बीस लाख से ज्यादा करेंगे टर्न ओवर तभी आपको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है अदरवाइज देर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ कंपलसरी रजिस्ट्रेशन वॉलंटरी कराना चाहते हैं तो करा ले स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर्स जिनकी 40 लाख या 20 लाख से कम टर्नओवर है दे आर नॉट सपोज टू गेट देमसेल्फ सेल्फ रजिस्टर्ड गवर्नमेंट एक और स्कीम भी रखी हुई है कंपोजिशन डीलर ये आपसे क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा हु इज अ कंपोजिशन डीलर अब सपोजिंग मेरी टर्नओवर 40 फोर्टी को क्रॉस कर गई मुझे रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी या अगर सर्विस सेक्टर हूं तो ट्वेंटी लाख से ऊपर अगर मेरी रिसीट्स होगी तो मुझे रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी लेकिन डीलर कहता कि मैं 40 लाख या 20 लाख से ज्यादा टर्नओवर वाला तो हूं पर इतना बड़ा भी नहीं हूं कि मैं रजिस्ट्रेशन की फॉर्मेलिटीज और जीएसटी के कंप्लाइंसिस को पूरा कर सकूं तो दे हैव मेड अ रिप्रेजेंटेशन मीडियम स्केल जिनकी 40 या 20 लाख से ज्यादा चालीस इन केस ऑफ गुड्स एंड ट्वेंटी इन केस ऑफ सर्विस कि सर काउंसिल को उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि हम बड़े डीलर हैं लेकिन इतने बड़े भी नहीं है हमसे इतने रजिस्ट्रेशन की फॉर्मेलिटीज और रिटर्न्स फाइल करने की फॉर्मेलिटीज और जीएसटी की कंप्लाइंसिस बहुत मुश्किल है इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू हैंडल द प्रोविजन ऑफ जीएसटी। तो गवर्नमेंट ने एक कंपोजिशन स्कीम दे दी इन बिटवीन कि आप अलग से रजिस्ट्रेशन करा लो एज कंपोजिशन डीलर्स बड़ी सिंपल आपकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा प्रोवाइडेड कि आपकी टर्नओवर 40 लैक्स वो तो क्रॉस कर रही है लेकिन 1.5 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और सर्विस सेक्टर में 50 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए तो 40 टू 1.5 करोड़ की जिसकी टर्नओवर इन बिटवीन है वो कंपोजिशन डीलर करवा सकता है और सर्विस सेक्टर में 20 लाख से लेके 50 लाख के बीच में किसी की ग्रॉस रिसीट है तो वो कंपोजिशन डीलर रजिस्ट्रेशन करा सकता है इसका फायदा क्या होता है कंपोजिशन डीलर को क्वार्टरली रिटर्न फाइल करनी होती है नॉर्मल डीलर्स को मंथली रिटर्न फाइल करनी होती है सेकेंडली कोई भी कमोडिटी हो कंपोजिशन डीलर को कस्टमर से टैक्स नहीं लेना ये तो नुकसान हो गया कस्टमर से टैक्स नहीं लेना कंपोजिशन डीलर कहता कोई बात नहीं मैं कस्टमर से नहीं लूंगा तभी कस्टमर मेरे पास अट्रैक्ट होगा उसकी जगह मैं अपनी पॉकेट से वन परसेंट चाहे आइटम एटीन परसेंट वाली है चाहे ट्वेंटी एट वाली है चाहे बारह वाली है चाहे पांच वाली है मैं अपनी पॉकेट से वन परसेंट जीएसटी ऑन माय टर्नओवर पे करूंगा कोई बात नहीं अगर वन परसेंट देना भी पड़ गया अपने मार्जिन में से कम से कम उसे क्वार्टरली रिटर्न फाइल करनी होगी रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटीज बड़ी सिंपल है एंड कस्टमर उसके पास अट्रैक्ट भी होगा तो दिस इज़ कंपोजिशन डीलर सो थ्री टाइप्स ऑफ डीलर्स, नॉन टैक्सेबल जिनकी टर्न ओवर फोर्टी या सर्विस सेक्टर में बीस लाख से कम है कंपोजिशन डीलर्स जिनकी टर्नओवर 40 या 20 से ज्यादा है लेकिन 1.5 करोड़ या 50 लाख से कम है एंड रेगुलर डीलर्स जो कंपोजिशन डीलर नहीं बनना चाहते फोर्टी लैक्स या ट्वेंटी लैख से टर्न ज्यादा वाले और कंपोजिशन डीलर को कोई आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट नहीं मिलेगा जब ये कस्टमर से टैक्स ही नहीं ले रहा तो इसे आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा और वन परसेंट कंसेशनल ड्यूटी पे करनी पड़ेगी ऑन हिज और हर टैक्सेबल टोटल टर्न जब हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो हमें फिफ्टीन डिजिट का एक अल्फा नोमेरिक नंबर मिलता है जिसे हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर जी एस टी आई एन नंबर बोलते हैं इट इज अ पैन बेस्ड परमानेंट अकाउंट नंबर बेस्ड 15 डिजिट अल्फा अल्फानूमेरिक नंबर 10 डिजिट पैन के होंगे बाकी आपकी आइडेंटिटी होगी बाय डिफॉल्ट एक बीच में जेड भी है वो अभी ब्लैंक रखा हुआ है गवर्नमेंट ने एक डिजिट ये आपको कुछ जीएसटी रिटर्न फाइल करनी है इंपॉर्टेंट रिटर्न आपकी ये तीन है जो आपको क्वेश्चंस में पूछी जा सकती है। GSTR1, GSTR2, example, हैं जीएसटीआर आर वन जीएसटी टू एंड जीएसटीआर एस थ्री फॉर एग्जांपल अभी अक्टूबर मंथ चल रहा है। अक्टूबर की जितनी भी सेल्स हैं फ्रॉम फर्स्ट अक्टूबर टू थर्टी फर्स्ट अक्टूबर मैंने जितनी भी सेल्स इफेक्ट की है उसकी रिटर्न मैं नेक्स्ट मंथ टेंथ ऑफ दिक्सीडिंग मंथ से पहले पहले जीएसटीआर वन ऑनलाइन ई फाइलिंग ऑफ रिटर्न जीएसटीआरआईएन पोर्टल पर आपको अपलोड करनी पड़ेगी अदरवाइज फिफ्टी रुपीज पर डे का फाइन है ड्यूरिंग विच द डिफॉल्ट कॉन्टिन्यूज जीएसटीआर टू आपको अपनी परचेज की डिटेल्स अब इसका नाम फिलहाल गवर्नमेंट ने टू ए किया हुआ है परचेज की रिटर्न आपको नहीं फाइल करनी ऑटोमेटिकली ऑटोलोडेड auto है जब कोई सेल की रिटर्न भरेगा तो परचेजर के पोर्टल पर भी जीएसटी आर टू ए पंद्रह तारीख से पहले पहले ऑटो अपलोड हो जाएगी सिस्टम से एंड जीएसटी आर थ्री बी थ्री नियर थ्री बी है गवर्नमेंट ने फिलहाल उसे थ्री बी रखा हुआ है नाम यह है ऑफ़ द ट्वेंटियडिंग मंथ इनपुट माइनस आउटपुट माइनस इनपुट टैक्स करके जो आपने टैक्स पे करना है सेल का टैक्स माइनस परचेज का टैक्स उसकी रिटर्न भरनी है जी एस टी आर थ्री बी बिफोर ट्वेंटियथ ऑफ द सक्सेडिंग मंथ दीज थ्री रिटर्न कैन बी आस्ट फ्रॉम यू एज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हर मंथ तीन रिटर्न ट्वेल्व इंटू थ्री थर्टी सिक्स रिटर्न प्लस एक जीएसटीआर एस टी नाइन भी भरनी है एनुअल रिटर्न पूरे साल की जब वो साल खत्म होगा जैसे 31 मार्च 2020 को ईयर खत्म हुआ था तो थर्टीएथ सितंबर 2020 तक आपको पिछले साल की पूरी कंसोलिडेटेड जीएसटीआर 9 रिटर्न फाइल करनी है अनलेस गवर्नमेंट एक्सटेंड दिस डेट सो 37 सेवन रिटर्न आर देयर फॉर अ नॉर्मल रेगुलर टैक्सेबल पर्सन बट इन केस Person is a composition dealer, they are required to file a quarterly only one return. So, th there are four returns, each quarter one return and one consolidated five returns are there. But in case of a regular dealer, 37 returns are there and every return carries a defaulting penalty of rupees 50 per day during which the default continues. So, this is the whole system of GST, and the main feature is it is a consumption based tax, value added tax, input tax credit is available, the tax which you are going to pay minus the tax which you have already paid, rest of the tax is your output tax which has to be paid. In case of intrastate, two taxes are levied CGST and SGST, central goods and service tax, state goods and service tax, but in case of UT, स्टेट की जगह यूटी जी एस टी बन जाता है यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स इन केस ऑफ इंटरस्टेट सेल वन टैक्स विल बी लेबिड एंड दैट इज इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स आउट ऑफ विच हाफ ऑफ द टैक्स विल बी रीम टू दैट स्टेट वेयर द गुड्स आर अल्टीमेटली कंज्यूम्ड और डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स सो दिस इज द इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट सबस्यूम ऑल अदर टैक्सीज एंड मेक वन टैक्स एंड नोन एज जीएसटी आई होप आपको इंटरनेट टैक्सी की यह वीडियो क्लियर होगी थैंक यू फ्रेंड्स हैव अस डे नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कुछ और टॉपिक्स लेके आएंगे और आपको अगर किसी भी टॉपिक में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं आई विल ट्राई टू रिप्लाई थैंक यू